But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मेटिनीज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्वामैन मूवी के बारे में। तो एक्वामैन मूवी के लिए मैं सबसे पहले डीसी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि डीसी ने अंडरवाटर मूवी बनाकर सबसे अच्छा काम करा। क्योंकि मुझे नामोर पहले चाहिए थी मूवी, बट अब कोई बात नहीं, हमें एक्वामैन पहले मूवी देखने को मिल रही है। बट एक्वामैन अंडर वाटर के साथ साथ ये काफ़ी कमाल की मूवी होने वाली है, क्योंकि इसका VFX काफ़ी अच्छा है और इसके VFX में काम करा है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की पूरी टीम ने। तो यहाँ पर जो इमेज लीक हुई है वो है फिशर किंग की, जो कि आप रिसेंट में देख रहे हो। तो फिशर किंग एक द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर है एक्वामैन मूवी में, और ये कैरेक्टर इतना कमाल का है कि ये पूरी पानी की शक्ति को अपने हाथों में रखता है एक त्रिशूल के तौर पर। तो ये एक्वामैन का काफ़ी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर है। तो इसका फर्स्ट लुक काफ़ी कमाल का है। अगर आपको उसको देखना है फुल HD में, तो आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर अकाउंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर यानी कि बबल बीम की एक नई इमेज लीक हुई है, जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है, जैसा कि आप रिसेंट में देख रहे हो। तो इसमें ये दोनों भागते नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों के मुझे नाम तो नहीं पता है, बट ये इमेज काफ़ी कमाल की है। आपको क्या लगता है बबल बीम कैसी मूवी कैसी जाएगी? उसके बाद ड्रैगन बॉल जी की अपकमिंग मूवी, ईयर कन्फर्म हो चुका है, ये मूवी 2019 को रिलीज होगी। जो ड्रैगन बॉल जी के फैंस हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर एक्वामैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।